और यह लीला श्री कृष्ण भगवान की और राम जी की लीला में काग भुसुंडी उड़ रहे भगवान की भुजा पीछे, जहां तक गए भुजा पीछे, सोचा उसी की शरण में लग चले जिसकी भुजा पीछे पड़ी। लौट कर आए, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, काग भुसुंड जी क्या समझे? उन्हें समझ गए क्या? बोले सब जगह आप हैं, सब में आप हैं, हम जहाँ जहाँ तक गए। अरे मैं तो समझ रहा था कि आप छोटे से बालक हैं, पर बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, पर मोरे गृह आवा प्रभु सोई, आप तो वही सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, सब में आप हैं, सब जगह आप हैं, अब हम पूरे समझ गए, आपके चरणों में गिर गए। भगवान हंसे, बोले अभी पूरी तरह नहीं समझे, अभी बाहर जाकर देखा, भीतर जाके देख लो। और भगवान मुस्कुराए, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। और जैसे ही राम जी मुस्कुराए, काग भुसुंड जी भगवान के मुख में चले गए, राम जी के उदर में चले गए। थोड़ी देर में, दो घड़ी में ही लौट आए। भगवान ने कहा, क्या समझे? काग भुसुंड जी बोले, पहले तो हम बोल सकते थे कि ये समझे, अब कुछ नहीं बोल सकते कि क्या समझे। कहा, क्यों? बोले पहले तो हम ये समझते थे कि सब में आप हैं, लेकिन जब भीतर गए तो पता लगा आप में ही सब हैं। राम उधर देखे जगनाना। अरे प्रभु, हम सोचते थे कि अयोध्या में आप हैं, लेकिन अब पता लगा कि आप में ही अयोध्या है, इन सबको भीतर देखा, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सब में आप हैं कि आप में सब हैं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान बोले, जब कुछ न कहने की स्थिति आ जाए, कुछ समझ ना आए, तभी समझ लो कि आप समझ गए हैं। अविगति की गति कहत न आवे, जो गूंगा मीठे गुड़ को रस अंतर्गत ही भावे। तो काग भुसुंडी भी समझ गए कि ये भगवान वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो ये बाल भगवान महाराज दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हैं। एक दिन की लीला। पहली बार माता कौशल्या ऐसे सोच रही थी कि वह शुभ दिन कब होगा जब श्री राम तोतली बोली में मुझे माँ कहकर पुकारेंगे। माँ, पहली बार राम जी ने माँ कहा। कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए, पर राम जी को हृदय से लगाया। राम जी पहली बार बोले माँ, तो कौशल्या माता ने राम जी के मुख पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, आप किसकी माँ हैं? कौशल्या जी कहती हैं, कहे मोह मैया। तो मैंने कहा, मैया मैं भरत की। कौशल्या जी कहती हैं, मैं भरत की माँ हूं। राम जी पूछते, फिर मेरी माँ कौन है? बलि जाऊं भैया, तेरी मैया कहके ही है, तुम्हारी माता तो कहके ही है, मैं तो भरत की माँ हूं। और धन्य है यह धरती जहाँ ऐसा संस्कार दिया जाता हो कि कैकेयी तुम्हारी माँ है, भरत की माँ तुम्हारी माँ, और मैं भरत की माँ। इसीलिए श्री राम और भरत को यह जो संस्कार बाल्यकाल से मिले, तभी तो अयोध्या के इतने बड़े राज्य की समस्या आई। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक भरत शील व्रतधारी, अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। भरत जी कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के आही। और राम जी कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पाव ही राजु। प्राण प्रिय भरत को राज्य मिले। अच्छा विचार करो, ये राज्य तो राम जी को मिलने वाला था, मिल गया भरत जी को। आज के युग में अगर ऐसी घटना घटे कि अपने को मिलने वाली चीज दूसरे को मिल जाए, खास अपने को मिल जाए, तो बोलो वह प्राण प्रिय लगेगा कि उसके प्राण प्रिय लगेंगे? पर यह संस्कारधानी है यह नगर, इसलिए मुझे इन संस्कारों का स्मरण हुआ। माताओं ने संस्कार दिए, हमारे देश की माताओं ने
इस धरती की माताओं ने माता मदालसा पालने में पौड़े हुए बालक को संस्कार देती थी, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी। अरे बालक तू शुद्ध है, तू बद्ध नहीं, तू तो बुद्ध है, तू निरंजन है, ब्रह्म स्वरूप है। ये पालने में पौड़े हुए बालक को माता मदालसा ने संस्कार दिया, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को संस्कार दिया। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अब तो बिगड़ गया है मामला, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात बता रहा हूँ। एक मैया अपने बालक को गोद में खिला रही थी और कह रही थी, कौवा मामा आएगा। विचार करो, ऐसे प्रतापी मामा हो जिस बालक के, क्या संस्कार पड़ेगा, कौवा मामा। बालकों को शुभ संस्कार देने चाहिए। तात तुम्हारी मातु वैदे, माता सुमित्रा ने कह, और इसीलिए लक्ष्मण जी ने बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तभी तो माता सुमित्रा ने वन भेजते समय लक्ष्मण जी से कहा था, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत, माता पिता जानना सदैव सी राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत, दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। संस्कार रहेंगे तो संस्कृति रहेगी, यह श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया अभी तक तो आंगन में ही खेलते हैं, आज बाहर खेलने गए सरयू जी के किनारे। गीतावली रामायण में वर्णन है, राम लखन एक और भरत रिपु दमन लाल एक और भये, राम लखन एक और भरत रिपु दमन लाल एक और भये, सरजू पीर सम सुखद भूमि धल गनि गनि गुनिया बाट लय, सरयू जी के किनारे एक समतल भूमि में खेल का मैदान निश्चित करके चारों छोटे छोटे भैया अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं गेंद का खेल। पर दो दल तो बनाने पड़े। लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसा ना हो कि हमें राम जी अपने विपक्ष में खड़ा कर दें, क्योंकि लक्ष्मण जी तो खेल में भी राम जी के खिलाफ नहीं रह सकते। पास आए बोले, प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ ही रखो। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है इधर ही रहो, लेकिन जब सभी राम जी के पक्ष में हो जाए तो विपक्ष में कौन, अब विपक्ष में कोई नहीं तो दो दल कैसे, दो दल नहीं तो खेल कैसे। पर राम जी ने कहा कुछ नहीं, उनकी दृष्टि गई भरत जी पर, छोटे से हैं भरत जी लेकिन धन्य हैं भरत, तुरंत विपक्ष में खड़े हो गए भरत जी, राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रखा, आपको अपने पक्ष में नहीं रखा, आपको चिंता नहीं, परवाह नहीं। भरत जी बोले, हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, हमें तो एक ही परवाह है, किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें। भरत जी आप दिखते तो छोटे से हैं पर इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं, यह तो आपकी महानता है, पर राम जी से दूर रह रहे हो, ये तो नुकसान हुआ, हानि हुई। भरत जी बोले, बिल्कुल नहीं हुई। कहा क्यों, हम बड़े फायदे में, जो राम जी के तरफ खड़े हैं ना वे हमें देख रहे हैं, और हम विपक्ष में खड़े हैं हम राम जी को देख रहे हैं, तो दर्शन का जितना बढ़िया अवसर विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा, हम इधर ही अच्छे हैं।
खेल गेंद का था, शुरू हुआ। राम जी ने गेंद पर चरण का प्रहार किया और गेंद लुढ़कता हुआ श्री भरत के पास आया, पर भरत जी ने भी दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद राम जी के पास पहुंच गया, राम जी ने फिर गेंद को नहीं चोट लगाई, प्रहार नहीं किया। क्यों? इसलिए भरत जी से पूछा कि आपने गेंद पर इतने जोर से ठोकर लगाई, क्या इसे जीतना चाहते थे इसलिए गेंद पर इतने जोर की ठोकर लगाई? भरत जी बोले नहीं नहीं, जीतना नहीं चाहता था। फिर गेंद पर इतने जोर की ठोकर क्यों? भरत जी बोले इसलिए कि जब वो गेंद मेरी ओर आ रहा था तो लगा कि ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरण को छोड़कर इधर भागा चला है, और भगवान के चरण को छोड़कर जो भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए ताकि भगवान के चरण को छोड़ना भूल जाए और ये समझ ले कि इन चरणों को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। हरि पद विमुख न लय हो काहु सुख सठ यह समझ सवेर। और राम जी से जब पूछा कि आपने गेंद को ठोकर क्यों नहीं लगाई, राम जी बोले वैसे तो किसी को ठुकराने की मेरी आदत नहीं है, पर लीला है खेल में ठुकरा भी दूं पर अब गेंद को नहीं ठुकरा सकता। क्यों? भरत ने इस पर अपने चरण की चोट लगाकर मेरी शरण में भेजा है, और भरत महात्मा है और संत अपने चरण से जोड़कर जिसे मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता हूं, यही मेरा स्वभाव। भरत जी जीत गए और राम जी हार गए। भरत जी उदास हैं, राम जी प्रसन्न हैं। किसी ने भरत जी से कहा आपने राम जी को हरा दिया, बोले यह बात सही नहीं है, फिर राम जी ने मुझे जिता दिया है, हारे हूं खेल जिता वही मोहे। और उस दिन तो भगवान ने खूब धन धान्य वितरित किया, प्रभु बक्षत गज धाम धरणी धन, किस खुशी में? भरत जी की विजय की खुशी में। लेकिन यह प्रायः रोज होता ही है, ये भरत जी जीतते राम जी हारते रोज होता, कभी राम जी जीते ही नहीं सकते। अरे औरों की बात जान दो, भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस के यहां मुष्टिक और चांडूर जैसे बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया तो आवाज लगाई कि अब कोई पहलवान हो तो आ जाए। जब मुष्टिक चांडूर जैसे पछाड़ दिए गए अब कौन आवे, पर भगवान श्री कृष्ण के सखा मन सुखा आ गए, हम भी पहलवान हैं लड़ो। भगवान ने कहा कि भले आदमी तुम्हें किसने बुलाया, हम तो कंस के दल के पहलवानों को बुला रहे थे। मन सुखा बोले तो आपको कहना चाहिए था कि कंस के दल का कोई पहलवान हो तो आ जाए, आपने तो कहा कोई भी पहलवान, तो पहलवान तो हम भी। बहुत समझाया मधुमंगल को पर वो नहीं माने, कुश्ती होनी चाहिए। श्री कृष्ण बोले तो आ जा, हुई कुश्ती और वही हुआ, श्री कृष्ण हार गए मन सुखा जीत गए। उसी अखाड़े में जीते थे अभी, उसी अखाड़े में श्री कृष्ण हार गए। श्री कृष्ण हार कर नीचे गिर गए, मन सुखा छाती पर बैठ गए और बोले कहो कृष्ण कैसा लगता। एक दिन कहा कि रोज रोज राम जी हारते हैं, आज एक सजा निश्चित की जाएगी। क्या? देखो एक दिन तय हुआ कि दो दलों में खेल तो होगा लेकिन जो दल हारेगा उस दल के प्रधान को घोड़ा बनना पड़ेगा और विजयी दल के एक एक खिलाड़ी को बारी बारी से अपनी पीठ पर बिठाकर सामने वाले उस पेड़ तक ले जाना होगा। राम जी ने मान लिया। लेकिन भगवान की इस बाल लीला में भी किसी पर करुणा होनी थी, जैसे श्री कृष्ण के उखल बंधन की लीला में यमलार्जुन का उद्धार होना था और भगवान श्री राम जी की बाल लीला में उद्धार होना है किसी। एक भक्त थे, मैंने संत महापुरुषों से सुना है, उनका नाम था सुदर्शन।
संतों की सभा में यह सुना था कि महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ इस समय तरुण हैं, जब यह वृद्ध होंगे तो इनके यहाँ सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म बालक बनकर आएंगे। सुदर्शन ने सोचा हम भी अयोध्या चल कर रहे हैं। और अयोध्या आकर रह गए, प्रतीक्षा करते रहे। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया, पानी पिला दिया तो पी लिया, कुटिया में पड़ा रहता है जो बनाई हुई थी झोपड़ी पर, मन रोने लगता है, आंखों से आंसू बहते हैं। यही कहता है दरस बिन पावत प्राण कले, दरस बिन पावत प्राण कले। सात बरस के श्रवण सुने हो रहे कुंवर अवधेश, तरस बिन पावत प्राण कले। कोई ले भी जाए इन अंधेरी अखियान बिलो को, कैसे प्रभु को भेस, दरस बिन पावत प्राण कले। आंसू बह रहे हैं सुदर्शन के, इधर सुदर्शन रो रहे हैं, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं। और उधर खेल शुरू हुआ बालकों, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी मित्र मंडली के साथ गेंद का खेल शुरू किए। शर्त पहले से तय थी, भरत जी का दल जीत गया हमेशा की तरह, राम जी का दल हार गया। बालकों ने राम जी को पकड़ा, घोड़ा बनो। राम जी बोले हाँ बनते हैं बनते हैं, पर छोटे छोटे बालक हाथ पकड़े, हाथ नहीं छोड़ेंगे, बनो पहले। राम जी बोले भरोसा तो करो, हाथ छोड़ो हाथ। अब राम जी पर कौन नहीं भरोसा करेगा, कन्हैया की बात अलग है। पर राम जी का हाथ छोड़ा, सोच रहे थे कि राम जी तो बड़े सरल बन ही जाएंगे, लेकिन भरत स्वपक्ष के बाल वृंद विजयी रहे, गए श्री रामचंद्र वाहन बन जाइए। तो भागे भय हारी, हाथ छोड़ते ही भागे, भागे भय हारी, बिहारी बाज बनते डरे, और सखा सब पिछारी परे, छोड़ो न जाइए पकड़ो भागने न पाए। सब छोटे छोटे बालक पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, लेकिन इस भागने में भी किसी का भाग्य जाग रहा है। भगवान उधर ही भाग रहे, जहां आवाज आ रही थी दरस बिन पावत प्राण कलेस, दरस बिन पावत प्राण वृद्ध भक्त की सुखोजत खोर, अवध किशोर के कानों गुन गाइए, कांपत शरीर भयभीत देहरी पे गिरे, गोद में दुरे कहे बाबा बचाइए। भगवान सुदर्शन की कुटिया पर पहुंचे, कोई नहीं पकड़ पाया,
बालक सब लौट आए, राम जी गए सुदर्शन की गोदी में छिप गए, बाबा बाबा मुझे बचा लो, मेरे मैं हार गया हूं ना खेल में, वो लोग मुझे घोड़ा बना रहे, मुझे बचा लो मुझे। गोद में दुरे कहें बाबा बचाइए, और भगवान की यह मधुर वाणी सुदर्शन के कान में पड़ी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए और जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अभी भवन ते आए, दर्शन पाके सुदर्शन को तन भयो निहाल, और भयो दुखी सन्मुख दुखी देखे दीन दयाल। सुदर्शन तो स्वस्थ हो गए, तरुण हो गए। राम जी के आंसू, राम जी कह रहे थे, छूट गए संग के सखा, भूल गयो मग आज, मैया पे पहुंचाओ मुई, मचल रहे रघुराज। मेरी मैया का नाम कौशल्या, पिताजी का नाम दशरथ जी, मुझे सुदर्शन के आंसू बरसने लगे, धन्य हो प्रभु। आज तो ऐसे ही हुआ, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। आज तो भगवान स्वयं भक्त के पास चलकर आ गए, और भगवान बोले इसी की गोद में ले चलो, लेकर गए कंधे पर बिठाकर राम जी को मैया की गोद में बिठाया। मैया आनंदित हुई, लाल जी को तो बाद में लिया, पहले भूषण बसन निछावर कीन है, भगवान भूषण और आभूषण निछावर की। तो भगवान की बाल लीला भी भक्तों को सुख देने वाली, उद्धार करने वाली, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान श्री कृष्ण भी एक दिन मैया यशोदा से बोले, अरे मैया तेरे संग ये सब सखियां हैं और तू कहाँ जा रही है? मैया बोली, यमुना जी की पूजा के लिए। कन्हैया बोले, मैं भी चलूंगा। मैया बोली, क्या रे तू कब से पुजारी हो गया? तुम्हारी तो चोरी की लीला, आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ। कन्हैया बोले, क्यों चोरी करने वाले क्या कभी कभी पूजा नहीं कर सकते? मैया बोली, अच्छा चल। कन्हैया गए, छोटे से कन्हैया मैया के संग यमुना जी किनारे पहुंचे। मैया यशोदा ने आरती का दिया जलाया, दीपक यमुना जी की आरती उतारी, गोपियों ने भी दिए जलाए, यमुना जी की आरती उतारी, और मैया ने वे दिए यमुना जी में बहा दिए। गोपियों ने भी वैसे ही किया, और मैया यशोदा और गोपियां सब आंख बंद करके बैठ गईं। मैया ने हाथ जोड़े, हे जमुना मैया, मेरा कन्हैया सदा सुखी, सदा प्रसन्न, सदा शांत। श्री कृष्ण ने देखा सब आंख बंद किए हैं, कन्हैया चुपचाप उतर गए जमुना जी में, छोटे से कन्हैया जमुना जल में खड़े हैं, और किनारे खड़े होकर ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, मानो दियों को बुला रहे हैं, और वो दिए जो बहते हुए उनके पास आ गए, उनको समेट लिया और अपने पीतांबर में बांध लिया, पोटली रख ली। जब पूजा पूरी हुई, मैया ने जमुना जी को प्रणाम किया, कन्हैया प्रणाम कर, कन्हैया ने भी प्रणाम किया, अब चलें घर? हाँ मैया चलो। चलने लगे, सो कन्हैया ने अपनी पोटली उठाई। मैया बोली, इसमें क्या है, ये पोटली में क्या है? कन्हैया बोले, अरे मैया किसी दूसरे की पोटली नहीं देखना चाहिए, होगा कुछ हो। मैया भी मुस्कुराई, बोले दूसरे की पोटली ना देखनी पड़े, पर चोर की पोटली तो जरूर देखनी चाहिए जरूर। और जैसे ही पीतांबर की जो पोटली थी उसकी जब गांठ खोली गई, तो मैया यशोदा और गोपियां अवाक रह गईं। क्यों? बोले उस पोटली में दिए बंधे थे, दिए बंधे हुए थे। यशोदा मैया बोली, क्यों कन्हैया आप सिर झुकाए खड़े हो, ये दिए क्यों बांधे तुमने, क्या तुम्हारे बांधने के लिए बहाए थे? कन्हैया बोले, मैया एक बात कहूं? हाँ। बोले तुमने तो दिए बहा दिए,
गोपियों ने भी बहा दिए और आंख मूंद ली। मैं आंख खोलकर देख रहा था, क्या दिए बहते हुए जा रहे थे, और मैया मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूँ, मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता, मेरे सामने ही बह रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको बहने न दूं, और ये जमुना जी की धारा में अनादिकाल से दिए बहते चले आ रहे हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा लघु रविनंदिनी वरणी, ये कर्म का अजस्त्र प्रवाह, कर्ता बनना भोक्ता बनना, इस प्रवाह में बहते हुए ये जो ज्योति स्वरूप जीवन के दिए हैं, इनको श्री कृष्ण कब से भुला रहे हैं कि बहुत बहलिए, अब तो हमारी शरण में आ जाओ, हमारी शरण में आ जाओ, और बहोगे तो धारा में रहोगे, और उलट कर आगे तो धारा से राधा होकर मेरी शरण में आ जाओगे राधा। कन्हैया ने सब दिए, मैया बोली अगर यही बात है तो तूने सब दिए क्यों नहीं बांधे। कन्हैया बोले सबको नहीं बांधता, फिर बोले जो बहते हुए मेरी शरण में आ जाते हैं उन्हें मैं अपने पीतांबर में बांधकर उनका भार अपने सिर पर रख लेता हूँ। तो यह जो बाल लीला भगवान की है, यह बाल भगवान चाहे श्री कृष्ण और चाहे श्री राम, वे आज भी अपने शरणागत का भार अपने सिर पर रखते हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन का दीना। तो हम लोग भी इन बाल भगवान की लीला को, गोस्वामी बिंदु जी की एक बात कहते हुए, वे कहते हैं कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहने वाले, तुम ही हो धनुसर चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले, तुम ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु भी बनाया, हे नख पे गिरिवर उठाने वाले, हे जल पे पत्थर तैराने वाले। इस पूरे पद्य के अंत में कहते हैं हे कौशला सुत यशोदा नंदन, दुख अधम बिंदु के निकंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले। तो ऐसे भगवान की, बाल भगवान की हम लोग शरण लें। असल में एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा था, पोटली सिर पे रख, उससे किसी ने पूछा ये यानी बड़े पागल आदमी पोटली सिर पे क्यों रखे हो। अरे बोला अब सब वजन तो रेलगाड़ी पे ना रहे, कुछ तो हमारे ऊपर भी, बिचारी रेलगाड़ी हमको ही बिठाए है, ये क्या कम है। अब लोग हंसते थे, अब उससे पूछो कि अगर सिर पर भी पोटली रख ले तो वजन तो रेलगाड़ी पर ही है, लेकिन रेलगाड़ी पे वजन होने के बाद भी चूंकि वो सिर पर रखे इसलिए सिर दर्द तो हो गई, और अगर पोटली उतार के रख दे तो भी वजन रेलगाड़ी पर है, पर वह जो व्यर्थ में नासमझी की वजह से सिर दर्द ले रहा था वह समाप्त हो गया। मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूँ कि परमात्मा की शरणागति की रेलगाड़ी में अगर बैठे हो तो काहे को ये चिंता का बोझ सिर पर रखे हो जो सिर दर्द बढ़ाए, इस पोटली को भी उतार कर उसी के चरणों में रख दो। यही इस कथा का सार संदेश है, और ये भगवान बालक के रूप में दिखाई देते हैं, पर मोरे गृह आवा प्रभु सोई, वे सच्चिदानंद भगवान हमारा आपका कल्याण करें। यही मंगलमयी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में करते हुए संस्कार धानी की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ अनेक मनुष्यों का स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसी दिव्य विभूति के सत्संग से आप लोग लाभान्वित हुए, और जिनके नाम से यह भव्य भवन है, पूज्यपाद पंडित श्री रामकिंकर जी महाराज, और उनका जन्म स्थान मैं कहता हूँ रामायण का जन्म, रामचरितमानस का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ हो पर रामायण ही का जन्म तो जबलपुर की धरती में हुआ है। तुलसीदास जी कहीं जन्मे हो पर युग तुलसी का जन्म इसी धरती पर हुआ है, इसलिए यह धरती भी हमारे लिए वंदनीय है, और यह संस्कार धानी जो सचमुच संस्कार देने में सक्षम है, और मुझे लगता है कि भारतवर्ष को अगर संस्कार कहीं से प्राप्त होंगे आदर्श संस्कृति में जीवन जीने के, तो इसी धरती से होंगे, यह मेरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत आभार। पूज्य स्वामी श्यामदास जी महाराज, परम साध्वी
ज्ञानेश्वरी जी, स्वामी परिपूर्णानंद जी और जितने संत उपस्थित हैं सबको प्रणाम। आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। और महाराज जी ने कहा कि विसर्जन विसर मत जाना, तो आप भी नहीं विसरेंगे तो हम भी नहीं विसरेंगे, फिर मिलेंगे, फिर भगवान की कथा यहीं होगी। कृपया आरती के बाद जाएंगे और आरती के पूर्व मैं अनुरोध करूंगा अमृतलाल जी वेगर से कि वे मंच पर आकर दो शब्द महाराज जी के लिए समर्पित करें। श्री अमृतलाल जी वेगर। स्वामी जी, भाइयों तथा बहनों, जब भगवान कृष्ण ने गीता कह ली और अर्जुन का मोह भी दूर हो गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, क्या श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करोगे? क्या उन्हें धन्यवाद के दो शब्द नहीं कहोगे? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, भैया, बड़े भैया, धन्यवाद तो परायों को दिए जाते हैं, कहीं कोई अपनों को धन्यवाद देता है? और धन्यवाद क्या केवल जिह्वा से दिए जाते हैं? छोटे मोटे धन्यवाद तो जिह्वा से दिए जा सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा धन्यवाद होता है, जबरदस्त धन्यवाद होता है, तो हम उसको रोम रोम से देते हैं। आज हम राजेश्वरानंद जी को रोम रोम से, कण कण से धन्यवाद दे रहे हैं। प्रति अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी, राम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की।